विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स के बाद अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी खुद विवेक ने अपने सोशल मीडिया पर दी। उनकी इस फिल्म का नाम है द दिल्ली फाइल्स। भले इस फिल्म पर काम अब शुरू हुआ हो मगर इसकी घोषणा सितंबर 2021 में ही हो चुकी है। उसी समय फिल्म का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था। 40 सेकंड के इस वीडियो में बूट्स की पदचाप और गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है। आखिर में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ खून से रंगा हुआ दिखाई पड़ता है और नेपथ्य से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। इतनी भूमिका के बाद जो पोस्टर बनकर तैयार होता है उस पर एक सिख बच्चे की परछाई दिखाई पड़ती है। इन सब बातों को जोड़कर जनता इस नतीजे पर पहुंची है कि द दिल्ली फाइल्स में 1984 के सिख दंगों पर बात हो सकती है। हालांकि मेकर्स ने इस विषय पर अब तक कुछ नहीं कहा है, इसलिए हमें कुछ भी पक्का मान लेने से पहले मेकर्स की कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। विवेक द दिल्ली फाइल्स को अपनी सबसे बोल्ड फिल्म बताते हैं। साथ ही उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरेक्शन में ये भी कहा था, ये फिल्म हमारे समय की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक पर बात करेगी। विवेक अग्निहोत्री पिछले दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चाओं में बने हुए थे। द कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बेस्ड फिल्म थी। कमाई के मामले में इस फिल्म ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को पछाड़ते हुए इस फिल्म ने तकरीबन 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। मगर द कश्मीर फाइल्स अपने ट्रीटमेंट और एक तरफा स्टोरी टेलिंग को लेकर खूब विवादों में भी रही। बहरहाल द कश्मीर फाइल्स और द दिल्ली फाइल्स के बीच विवेक ने दो और प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें से एक फिल्म है और एक वेब सीरीज। विवेक द कश्मीर फाइल्स वाले मसले पर एक वेब सीरीज लाने वाले हैं। साथ ही वो अनुपम खेर और सतीश कौशिक को लेकर नौटंकी नाम की फिल्म बना रहे हैं। इसकी स्क्रिप्ट रूमी जाफरी ने लिखी है। यह थिएटर और सिनेमा के इर्द गिर्द बुनी हुई कहानी बताई जा रही है। द दिल्ली फाइल्स को टॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आज प्रोड्यूस कर रही है। ये उस कंपनी का पहला हिंदी प्रोजेक्ट है। द दिल्ली फाइल्स को हिंदी और पंजाबी दो भाषाओं में बनाया जा रहा है। फिल्म कब तक रिलीज होगी इस बात की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।